हेलो एंड नमस्कार मेरा नाम है दीपाली कॉल इमरामा टैरो में आपका स्वागत है ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फ़र्स्ट ऑफ नवंबर टू थर्टिएथ ऑफ नवंबर ऑल्सो एंड में मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने का ट्राई करा है तो आप देखिएगा बताइएगा मुझे कंटिन्यू रखना है कैसा लगा वट आइए स्टार्ट करते हैं लव रीडिंग के साथ नेक्स्ट टेन डेज़ के लिए ट्वेंटी टू थर्टी एथ नवम्बर वर्गों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं love messages will go 21st to 30th november okay four of cups pisces cancer scorpio 10 of wands aries leo sagittarius king of coins taurus virgo capricorn aapki energy hai ab uh, dekhiye फोर ऑफ कप स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि आपका नाम Daydreaming काफ़ी चल रही है इस टाइम पे आपकी आपके पार्टनर की आप लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि क्या कर सकते हैं क्या होता क्या करना है क्या हो सकता है आप लोग रियलिटी में नहीं जी रहे हो आप लोग ना बस डे ड्रीम कर रहे हो और काफी अम, मुझे काफी सुस्ती वाली वाइब आ रही है काफी आलस वाली वाइब आ रही है काफी लोग ना एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं सिर्फ सोच रहे हैं हो सकता है प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, हो सकता है डे ड्रीम कर रहे हो बट थोड़ी लिथारजी दिख रही है मुझे फीलिंग uh, आ रही है कि अगर आपको कुछ करना है किसी की तरफ जाना है तो जाइए ना मना करना है मना करिए हाँ करना है हाँ करिए जैसे भी जो भी करना है बट आई थिंक आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उफ, गो <laughs> तो आई थिंक आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एंड वो डे ड्रीमिंग जो है ना इट्स नॉट ओवर थिंकिंग इट्स डे ड्रीमिंग ख्याली पुलाव वो डे ड्रीमिंग वाली वाइब बहुत ज्यादा है आपकी भी और आपके आपके इंसान की भी यही वाइब है पाइसिस स्कॉर्पियो अगर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है तो उनकी भी यही वाइब है वो भी सोच बहुत रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है आ, हो सकता है आप देखिए क्योंकि टेन ऑफ वॉन्स है हमारे पास बर्डन बहुत है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है स्ट्रेस बहुत है तो हो सकता है आपके इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन हो और वो आप तक ना आ पा रहे हो तो वो सोच रहे हो कि आप आए आप सोच रहे हो कि वो आपके पास आए बस यही सोचा सोची चल रही है एंड आई थिंक आप भी उनका नजरिया नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे होंगे एंड वो भी आपका नजरिया नहीं देख रहे हैं कि आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना स्ट्रेस है इतना बर्डन है वो आई थिंक उसी चीज में इतने इंग्रॉस्ड हैं बट डे ड्रीमिंग और लिथार्जी छोड़ दीजिए वो को थोड़ा सा अच्छी चीज़ नहीं है किंग ऑफ कॉइन्स है आपकी एनर्जी अब देखिए किंग ऑफ कॉइन्स के थ्रू हमें पता लग रहा है कि आप ना काफ़ी आपको सिक्योरिटी मिल रही है ठीक है इस इंसान के साथ आपको काफ़ी सिक्योरिटी मिलेगी कंट्रोल पावर हो सकता है काफ़ी बड़ी पोजिशन पे हो ये इंसान तो इनके संग अगर आप एक कपल बन जाएंगे पैर बन जाएंगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट होगी आपके पास भी वो कंट्रोल होगा वो पार होगा काफ़ी स्ट्रांग विल आपकी दिख रही है मुझे हो सकता है या आपकी अपनी जॉब या अपनी अथॉरिटी की वजह से अपनी पोजिशन की वजह से भी आप काफ़ी अथॉरिटेटिव काफी सिक्योर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिक्योर हो काफी पावरफुल हो काफी स्ट्रांग विल हो आपकी बट मुझे ऐसा लग रहा है <coughs> कि आप और आपके इंसान के बीच में सेम वाइब चल रही है आप जिस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं वो भी उसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं आपको अगर डाउट हो रहा है उनको भी डाउट हो रहा है आप अगर हेजिटेट कर रहे हैं वो भी हेजिटेट कर रहे हैं तो कोई किसी की तरफ बढ़ नहीं रहा है मुझे ऐसा ऐसी फीलिंग आ रही है कि देखते हैं देखते हैं लेवन कनेक्शन डेक्स है हमारे पास क्या है यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट टेन डेज के लिए ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टीए नवंबर लव मैसेजेस फॉर वर्गो लव मैसेजेस फॉर वर्गो ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टीबर यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल देखिए मैंने आपको बोला ना आप दोनों एक दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बट आपको लेटर ऑन ये चीज़ रियलाइज हो कि यार अच्छा इतना स्ट्रेस और बॉर्डन था इस इंसान पे तभी शायद ये मुझ तक नहीं आ पा रहा था या नहीं आ पा रही थी या यू नो लाइक ये अप्रोच नहीं कर रहे थे या ये कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे तो वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है बट मे बी लेटर ऑन वो चीज़ आपको समझ में आ जाए ऑल देर इज टू लव हैज बीन देर ऑल अलोंग देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना आपको उस तरीके का प्यार दे सकता है जैसा आपको चाहिए था ठीक है आ, ये आपको वो इमोशनली बैलेंस्ड जो चीज़ें होती हैं इमोशनली बैलेंस्ड जो इंसान होते हैं ये उन लोगों में से है तो आई आई थिंक ये अभी आपके आसपास हैं या शायद आपके कोई ऐसे ग्रुप में या दोस्त या कलीग हैं जो कि हमेशा से आपके आसपास रहे हैं आप इनको आपको बस पता नहीं लगा कि ये इंसान ही आपके इंसान होंगे यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल एक्सक्यूज मी हो सकता है आपको थोड़े टाइम में पता लगे कि ओ ये इंसान मुझे पसंद करता है वैसी भी वाइब हो सकती है आपको अभी ना पता हो बट आपको लगेगा पता नेक्स्ट टेन डेज में हो सकता है आ, किसी के थ्रू सुनने में आ जाए या कुछ बट ये इंसान आपके आसपास ही है यू नीड नॉट वरी देखिए वो गो uh, मैं मतलब मेरे बोलने से तो ऐसे कुछ नहीं होगा बट थोड़ा सा अपना ओवर थिंकिंग कुछ मेडिटेशनल प्रैक्टिस करिए कुछ हीलिंग प्रैक्टिसस करिए ओवर थिंकिंग अपनी थोड़ी सी बंद करिए लॉन्गर रन में एक तो बीमारियाँ लग जाएंगी वो अलग दूसरा आप इतनी नेगेटिव वाइब यूनिवर्स की तरफ दे रहे हैं ओवर थिंक कर करके तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे होंगी ठीक है वर्गोज़ इतने प्योर सोल इतने प्यारे होते हैं वर्गोज़ बट समहा उनकी ओवर थिंकिंग इतनी होती है उनके ट्रॉमास से रिलेटेड उनकी ओवर थिंकिंग इतनी होती है कि वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं कुछ गलत कर देते हैं लोगों को हर्ट कर देते हैं अनोइंगली अनइंटेंशनली तो वो मत करिए ठीक है तो थोड़ा सब्र रखिए चीज़ें ठीक होंगी चिंता मत करिए कि क्यों नहीं हो रहा है क्या हो रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है होंगी अपने टाइम से होंगी थोड़ा सा सब्र रखिए ओके okay, सो so ये एक नई चीज मैं ट्राई कर रही हूं यहां पे मैं देखूंगी कि हर एक जोरिया साइन क्या फील करता है वर्गो के लिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं एरीज की क्या फीलिंग है वर्गो के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए हायरोफांड देखिए एरीज जो है ना ये थोड़े सोसाइटी के जो अप्रूवल है उसके लिए बहुत यू नो लाइक वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अप्रूवल सोसाइटी क्या बोलेगी लोग क्या बोलेंगे ट्रेडिशंस कल्चर uh, के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए अगर वो लड़का है और वो दस साल छोटे हैं और आप लाइक बड़े हों उनसे तो उनको लगेगा हा लोग क्या बोल तो आई थिंक ये ना थोड़े उसी चीज़ में ही फंसे हुए हैं आपके पास तो अभी नहीं आ रहे हैं ये थोड़े सोसाइटी लोग क्या बोलेंगे वाली चीज़ में फंसे हुए हैं टॉर्स क्या फील करते हैं वर्गों के लिए क्या फीलिंग है की वर्गो जजमेंट जजमेंट देखिए हमें ये बता रहा है कि यहां पे ना हो सकता है आपके कोई एक्स हो ये बट ये आपसे फुगिवनेस मांग रहे हैं या फिर आप इनको फुगिव कर रहे हो या फिर वो आपको फोगिव कर रहे हैं बट यहाँ पे ना आई थिंक ये आपसे फुगिवनेस मांग रहे हैं या आपको बोल रहे हैं पास्ट को भुला देते हैं वापस यू नो लाइक रिलेशनशिप एक स्टार्ट करते हैं आई मिस यू एंड एवरी सॉरी बोल रहे हैं वैसा कोई चीज हो सकती है जेमिनाई क्या फील करते हैं वर्गो के लिए किंग ऑफ वॉर्स जेमिना है ना बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं आपके साथ आपको आपको लेकर वो बहुत पैशनेट हैं बहुत चार्मिंग इंसान हैं ये एक लीडर टाइप एनर्जी है इनमें लीड करते हैं ये टीम हैंडल करते हैं लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए एंड आई थिंक आपको लेकर इनकी जो फीलिंग्स है ना ये बहुत ऑनेस्ट है उस उस उन फीलिंग्स को लेकर कि भाई मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ तो करता हूँ ठीक है तो या करती हूँ तो करती हूँ वैसी चीज़ है बट लाइक बहुत फोर्स नहीं कर रहे हैं ये काफ़ी चार्मिंग है आई थिंक आप खुद ही इनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे कैंसर क्या फील करते हैं वर्गों के लिए कैंसर क्या फील करते हैं वर्गों के लिए द मून देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं ये ये आपके माइंड पे ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं कि मैं चार दिन कॉल नहीं करूँगी तो इस इंसान का अपने आप कॉल आ जाएगा लेकिन इसको पीछे भगाते हैं इसको चेस करवाते हैं थोड़ा सा ट्रिक्स दिख रही है मुझे ट्रिकरी एल्यूजन क्रिएट करा हुआ है उन्होंने आपके सामने एक कि ये चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं बहुत मेहनती हूँ मैं बहुत ऑनस्ट हूँ बट मे बी वो ना हो ठीक है तो वो इल्यूजन चकमा झांसा हो सकता है इनसेक्योर भी काफी हैं ये इनके साथ भी कोई पास में बहुत अच्छी चीजें नहीं हुई हैं तो इसलिए शायद इनका थोड़ा प्यार करने का तरीका टॉक्सिक बन गया है जा लेने दे इनको <coughs> लियो क्या फील करते हैं वर्गो के लिए थ्री ऑफ कॉइन्स ओके अब देखिए थ्री ऑफ कॉइन से हमें ये पता लगता है यहाँ पे कि हम्म इंसान ना थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं अपना कोई स्किल है कोई टैलेंट हो सकता है इनका वो टैलेंट दिखा कर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये अ, सिंगिंग हो सकता है पेंटिंग हो सकता है कोई यू नो लाइक डील क्रैक कर रहे हैं जो किसी ने नहीं, नहीं करी बट काफी अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं ये आपको कि देखो मैं कितना बड़े पे हूँ मेरा टैलेंट कितना है मेरे में स्किल कितना है मैं यू नो लाइक थोड़ा वैसी चीज़ दिख रही है वर्गो क्या फील करते हैं आपके लिए वर्गो की क्या फीलिंग है आपके लिए एस ऑफ वॉन्स अब देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, ये बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा कनेक्शन हो सकता है ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं आपसे मिलने के लिए आपसे बात करने के लिए आपके संग एक रिलेशनशिप में आने के लिए आ, इनकी जो मतलब इनके संग आपकी एक नई रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और ये चाहते भी हैं कि आपके साथ एक एक नया रिश्ता बनाए आपके संग ग्रो करें लाइफ में आपके संग एक एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीजें करें तो ये इनकी वैसी फीलिंग है टुवर्ड्स यू लीब्रा क्या फील करते हैं वर्गो के लिए डेथ अब देखिए लीब्रा तो अभी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस uh, से गुजर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस उनकी लाइफ में काफी उथल पुथल हो रखी है आ, वो अभी अपनी लाइफ को ही समेट रहे हैं तो अभी आपकी तरफ तो क्या ही आएंगे स्कॉर्पियो क्या फील करते हैं ओ वर्गो के लिए स्कॉर्पियो फील करते हैं थ्री ऑफ वॉन्स। अब देखिए थ्री ऑफ वॉन्स हमें बता रहे हैं कि ये ना तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की आपकी तरफ आने की आपकी तरफ हो सकता है किसी और सिटी में रहते हैं कहीं कंट्री में रहते हैं ये तैयारी कर रहे हैं आप तक ट्रैवल करने की आप तक आने की पहुंचने की कि मैं जल्दी जल्दी वो के पास जाऊं एंड देन फिर यू नो ना एक अपनी एक लाइफ बनानी स्टार्ट करूं सिंगल uh, से कमिटेड हो जाऊं एक से दो दो से तीन तो वो एक्सपेंशन चाहते हैं आपके संग एक फैमिली बनाना चाहते हैं थोड़ी तैयारियां कर रहे हैं वो कि चीज़ को आगे करना कैसे है लाइक like, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं सैजिटेरियस क्या फील करते हैं वर्गो के लिए एट ऑफ सोर्ड्स ओके सैजिटेरियस ना थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके साथ uh, वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं ये कंपेनियनशिप uh, उनको थोड़ा सा हम्म उनको थोड़ा सा ट्रैप्ड फील हो रहा है काफी एंक्शस फील करते हैं वो आपके साथ या मे बी uh, वो एक रिलेशनशिप में ही ट्रैप फील करते हैं उनको रिलेशनशिप में यकीन नहीं है बिलीव नहीं करते हैं वो रिलेशनशिप पर्मानेंट कनेक्शंस में तो आई थिंक उनको बहुत उनकी जो इंडिपेंडेंस um, है वो चली जाती है फ्रीडम चला जाता है उनको एंजाइटी होने लगती है तो सैजिटेरियस की तो यही एनर्जी है केप्रिकॉन क्या फील करते हैं वर्गो के लिए केप्रिकॉन क्या फील करते हैं वर्गों के लिए पेज ऑफ कॉइन्स देखिए पेज ऑफ कॉइन्स में ना केप्रिकॉन की कहीं पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कोई नई जॉब लग रही है वो अपने करियर में तरक्की कर रहे हैं अभी इस टाइम पे और वहीं पे ही उनका कंसंट्रेशन है एक्वेरियस क्या फील करते हैं वर्गो के लिए पेज ऑफ ओके अब देखिए पेज ऑफ बताता है एक्वेरियस um, ना आपको मैसेज कर सकते हैं आपको मैसेज के थ्रू ईमेल के थ्रू डीएम नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता सकते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं लाइक यू नो लाइक किसी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है उनसे और बहुत एक्साइटिंग हैप्पी इन्फॉर्मेशन होगा शायद आप भी वही सुनना चाहते हैं और वो आपको बोल देंगे तो एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है एक्वेरियस से पाइसिस क्या फ़ील करते हैं वर्गो के लिए पाइसेस क्या फ़ील करते हैं वर्गो के लिए एज़ ऑफ़ सोड्स अब देखिए एज ऑफ सोड्स में विक्ट्री um, है हमारे पास मेंटल क्लैरिटी है हमारे पास पाइसिस बहुत क्लियर हैं उनको क्या चाहिए वो ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ नहीं है कि उनको आपके संग होना है या नहीं होना है या क्या ये सही होगा क्या ये गलत होगा दे आर वेरी क्लियर विद द फैक्ट के यू नो लाइक आप ही हैं उनके इंसान तो वो आपके पास आ रहे हैं आना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं डिसाइड कर लिया है उन्होंने कि वो अब सच बोलेंगे आपको कि हाँ वो यू आर माई पर्सन एंड आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ तो वैसी वाइब है ये बट यस uh, yes, ये मैंने कुछ नया ट्राई करा था कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है जो मेजोरिटी होगी उसके हिसाब से चलेंगे हम बट यस मोरलैस यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से मेरे पास अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें, करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरे इमरामा फैमिली का थैंक यू बाय